लेकर के आया हूं और आपको जानकारी दूंगा एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग के बारे में, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि डेली पढ़ना पड़ता है, अध्ययन भी करते हैं, पंचांग को देखते हैं, तो कुछ वीडियो आपके लिए निकाल के लाते हैं, बारीकी से सोचते हैं तो पता चलता है कि अरे ऐसा योग भी बन रहा है एक आगे आने वाले समय में, या बन चुका है। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योग के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, जिसको बोलते हैं नव पंचम योग। मित्रों, यह नव पंचम योग बन चुका है और वह भी पूरी 5 राशियों के लिए। अब सबसे पहले तो मैं इस बात से पर्दा उठा देता हूं कि नव पंचम योग होता क्या है, और उसके बाद आपको राशियों को समझाऊंगा और किस ग्रह से बन रहा है वो समझाऊंगा, क्योंकि आदत है सिखाने की ज्योतिष, तो इसलिए थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करके बताता हूँ चीज़ों को, तो आप भी सीखें तो मुझे खुशी होगी। मित्रों, नव पंचम का योग होता है कि मैं आपसे नवम हूँ और आप मेरे से पंचम हैं। जैसे अब हमारी जन्म कुंडली में जो नवम भाव होता है वो भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रोग्रेस, जॉब, ये आध्यात्मिक जीवन, इन चीज़ों को। और जो फिफ्थ हाउस होता है वो संतान सुख, धन लाभ, उच्च पद प्रतिष्ठा, संतान का सुख, गर्व, लॉटरी इत्यादि चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब मित्रों, यहाँ विषय ये आता है कि जब ये लगन से पंचम पंचम भाव हो गया, लगन से नवम नवम भाव हो गया, तो इसी प्रकार से कोई राशि दूसरी राशि से नवम या पंचम पड़ती हो तो हम उसी को ज्योतिष की भाषा में नव पंचम योग बोलते हैं। ये योग शुभ होता है, जैसे षडाष्टक योग होता है वो अशुभ है, पर नव पंचम में क्या होता है, संतान सुख मिल जाता है, धन मिल जाता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। पर नव पंचम योग में क्या होता है, धन मिल जाता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, भाग्य की वृद्धि हो जाती है, जॉब लग जाती है, पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो भाव होते हैं पंचम और नवम, ये जन्म कुंडली में त्रिकोण में आते हैं, तो इसलिए शुभ भाव काउंट होते हैं। जैसे पिरामिड के स्तंभ होते हैं दो, ठीक इसी प्रकार से ये त्रिकोण में दो कोने हैं। अब ये बन किस ग्रह से रहा है उसको मैं बताना चाहूंगा। ये गुरु, शनि और राहु का नव पंचम योग बन रहा है। देखिए, इस समय राहु अपने उच्च राशि में है, वृष में, और गुरु शनि इस समय गोचर में 6 मई 2021 तक मकर राशि में है। गुरु फिर 6 मई को यहां से निकल जाएंगे। दोस्तों, ये नव पंचम योग बन रहा है गुरु, शनि व राहु से। राहु इस समय अपनी उच्च की राशि वृष में स्थित है, और जो गुरु शनि हैं वो मकर राशि में प्लेस हो रखे हैं। गुरु 6 अप्रैल तक यहां रहेंगे, इसके बाद यहां से बाहर हो जाएंगे। तो मित्रों, अब मकर से काउंट करते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। तो गुरु और शनि से पांचवी राशि कौन सी हुई, वृष। तो गुरु शनि से राहु पंचम हो गया। अब राहु से काउंट करते हैं। राहु वृष में है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद आपकी मकर। तो 3 और 3 6 3 9, तो 9वीं राशि पड़ गई राहु से गुरु शनि की मकर। तो ये है मित्रों यहां पर नव पंचम योग। अब क्या होगा, कौन कौन सी राशियों का भाग्य चमकेगा, ये आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और वर्ष 2021 का मैंने वार्षिक राशिफल भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इसको जरूर सुने, पूरे 12 महीने की स्थिति। और यदि आप पर्सनल अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप नहीं होगी, ये वर्षफल पत्रिका मेरे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन वो आपको प्राप्त होगा पूरे 12 महीने का। मित्रों,
सबसे पहले जो भाग्यशाली लग्न राशि रहेगी वो है मेष लग्न। मेष लग्न के लिए तकरीबन बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं ग्रह गोचर में, इसलिए मेष वालों को अब सुकून भी बहुत मिल रहा है। और मेरी मेष वाले जो वीडियो है यूट्यूब और फेसबुक पर, उसको सबसे ज़्यादा प्रेम भाव भी मेष लग्न ने दिया है, क्योंकि जिसके ग्रह खराब चल रहे हैं और यदि उनको पता चल जाए कि अच्छे ग्रह गति आ रही है तो वो उसको और उत्सुकता के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये नव पंचम योग दो स्थानों पर बन रहा है। सेकेंड हाउस में उच्च के राहु रहेंगे धन के घर में वृष राशि में, और टेंथ हाउस में गुरु शनि रहेंगे कैरियर के घर में। तो दोनों एक दूसरे से नव पंचम हो गए। गुरु शनि की पंचम दृष्टि भी रहेगी, गुरु की मीन्स पंचम दृष्टि राहु पर। तो मेहनत से धन प्राप्त होना, धन आगमन का अच्छा योग बनना, रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होना, परिवार के लोगों से धन निकल जाना, मीन्स कि यदि उनके साथ कोई विवाद चल रहा है तो वो आपका पैसा दे देंगे। इसके अलावा जो विशेष रूप से जो सरकारी नौकरी में है उनको जबरदस्त उन्नति का योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए अच्छा बन रहा है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोगों के लिए, पढ़ाई लिखाई वाले लोगों के लिए अच्छा बन रहा है जो कोई टीचिंग से रिलेटेड काम करते हैं। मित्रों, यहाँ पर ये राहु का नवम प्रभाव गुरु शनि पर रहेगा कैरियर पर, तो एक प्रकार से ये देखिए उच्च के स्वराशि के ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव आपके कैरियर पर और पैसे पर है। तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी इस नव पंचम योग में, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, अगले 3-4 महीने तक, तो आप उस अकॉर्डिंगली योजना बना सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको लाभ बहुत अच्छा मिलने जा रहा है, इसमें कोई दोराया नहीं है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लग्न राशि रहेगी वो है वृष लग्न। आपके लिए वृष लग्न में उच्च का राहु स्थित है, तो लगन से और नवम भाव मीन्स भाग्य से ये योग बन रहा है नव पंचम। तो लगन में राहु का रहना अत्यंत शुभ है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करेगा परंतु आपके सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके अलावा भाग्य स्थान पर गुरु शनि बैठे हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। अकस्मात आपको प्रमोशन, अकस्मात ट्रांसफर हो जाना, अकस्मात आपकी जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ जाएगी। और ये एक दूसरे से नवम पंचम होने के कारण संतान का सुख भी मिलेगा, पिता का लाभ भी मिलेगा, पिता से प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी बेटर होगा। मित्रों, ये नव पंचम योग एक तो नॉर्मली बनता है और एक ऐसा नव पंचम योग बनेगी जो बहुत प्रभावशाली होते है, प्रभावशाली वाला है, क्योंकि इसमें राहु उच्च के वृष में है और शनि गुरु का भी मकर राशि के अंदर योग सुंदर बना हुआ है, तो ये वैसे भी अच्छे हो गए, तो इसकी नव पंचम योग की भी डबल पावर बढ़ जाएगी यहां पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको योजना बना रखी है आपने, तो इसको वर्ष 2021 में क्रियान्वित करें। शुरुआत आप दिसंबर से ही कर सकते हैं क्योंकि यह योग अब चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लग्न राशि रहेगी वो है कर्क। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा कर्क वालों, ये दो स्थान से बन रहा है और उन स्थानों का बड़ा जबरदस्त रोल है हमारे जीवन में। एक दाम्पत्य जीवन से बन रहा है सप्तम से, और दूसरा लाभ से। लाभ जीवन में हर कोई चाहता है, अब आपके लिए लाभ की स्थिति शुरू हो चुकी है। अब समय को कैसे भुनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एज ए गाइडर गाइड कर सकता हूँ आपको, और स्थिति तो यही दिखाई देती है इसमें कि सप्तम भाव में जब ये गुरु शनि रहेंगे लाभ को देखेंगे, और लाभ में बैठे हुए राहु सप्तम को देखेंगे तो पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलना। बट एक फल और भी बनता है। मैं यहाँ नेगेटिव फल की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, यहाँ पर नव पंचम योग के खासियत बता रहा हूँ। अब इसी योग में ऐसे तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, पर पॉजिटिव जो एक्सपेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सीधा सीधा विदेश को देख रहे हैं, ये व्यापार को देख रहे हैं, ये एक्सपोर्ट को देख रहे हैं, ये इम्पोर्ट को देख रहे हैं, ये यात्राओं के घर को देख रहे हैं, ये बड़े भाई बहन के घर को देख रहे हैं, ये पत्नी को देख रहे हैं, ऐसी सभी चीजों का उछाल होगा जबरदस्त। इसलिए अब जो भी लॉस हुए हैं उनको कवर अप करने का समय आ गया है। योजना बनाइए, आप देखिए धीरे 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 करके देश की जो स्थिति है विश्व पटल पर, आप देखिए कि इकोनॉमिकली अब थोड़ा थोड़ा साउंड होना शुरू हुआ है। अब हर कंट्री थोड़ा थोड़ा बेटर कर रही है। ये बेटर इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रह बेटर हो रहे हैं। ग्रह बेटर होंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही पड़ना है।
मित्रों इसके बाद जो नेक्स्ट लग्न राशि रहेगी जिनको इस डबल नव पंचम राजयोग का फल मिलेगा वो है यहां पर कन्या। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा वो दो स्थान, मित्रों तीन गुना ज्यादा पावरफुल नव पंचम योग बन रहा है यहां, तीन गुना। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, लोग बोल देते हैं आप कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी नहीं लिखता। अब कैसे तीन गुना बन रहा है इसको समझिए। एक तो मैंने बताया कि पंचम और नवम लगन से स्थान संतान और भाग्य, दूसरा फिर मैंने बताया कि राशियों के हिसाब से भी एक राशि दूसरी राशि से नव पंचम पड़ रही है, और तीसरा ये नव पंचम योग बन भी पंचम नवम भाव में ही रहा है कुंडली में भी, क्योंकि कन्या लगन से मकर राशि पंचम में आ जाती है। तो गुरु शनि संतान के घर में बैठ करके अकस्मात धन लाभ आपको पहुंचा देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा होगा, आपका एकदम से घर बैठे हुए थे आपको कॉल लेटर आ जाएगा, आपकी भर्ती रुक गई थी आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा कि आ जाइए, आपका सस्पेंशन हो गया था आपको वापस रिकॉल कर लिया जाएगा, चलो आपको मौका देते हैं। इस प्रकार से अकस्मात लाभ पहुंचेगा। ऐसे ही नवम भाव में आपके राहु रहेंगे और राहु की लगन पर दृष्टि भी है, तो ये त्रिकोण में बैठ करके जो अशुभ ग्रह होते हैं उन वो शुभता देने लगते हैं, विपरीत रिजल्ट। और योग भी नव पंचम हो तो और तीन गुना ज्यादा फल बढ़ जाता है। तो यहां मैं कहना चाहता हूं भाग्य की उन्नति के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए, वीजा लगने के लिए, बाहर सेटअप बनाने के लिए, कोई पारिवारिक मतभेद दूर करने के लिए, संतान सुख के लिए, धन लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, पेट्रोल केमिकल गैस इत्यादि के काम के लिए, लोहे लंगड़ के काम के लिए, केमिस्ट सुनार का काम करते हैं उनके लिए, टीचिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, जो कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं और जो फोटोग्राफी का और जो गुप्त विद्याओं का काम करते हैं, जो रिसर्चर हैं उनके लिए। मित्रों काफ़ी अच्छा समय है ये, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लग्न राशि है वो है मकर। मकर लगन वालों आपके तो लग्नेश ही शनि हैं और लगन में बैठे हैं शश नाम का राजयोग बना के, साथ में गुरु मकर में बैठे हैं नीचमंग राजयोग बना के, और फिर ऐसे में आपको एक और योग बन जाए नव पंचम तो आनंद कुछ और ही है। इसीलिए यहाँ पर लगन के हिसाब से ये योग आपकी लगन में और पंचम भाव में बन रहा है, क्योंकि पंचम में राहु रहेंगे वृष राशि में, और यहां पर ऐसी ही स्थिति में अकस्मात भाग्य की उन्नति हो जाती है। तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए ये, आपको शुभकामनाएं देता हूं। लगन में बैठ करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा नीतिकार होते हैं, उनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है और वो आने वाले खतरे को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। अब आपके लिए पॉजिटिव मैनर में बन रहा है, आप प्लानिंग करिए, वो प्लानिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको अकस्मात यहाँ पर लाभ की स्थिति पहुँचती हुई नजर आ रही है। मित्रों ये है वो सभी लगन राशियाँ जिनके लिए नव पंचम राजयोग का बड़ा ही ज़बरदस्त फल मिलेगा। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे ज्यादा चाहता हूं। नमस्कार दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपए व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9999-8860, 9212-8609।